ये है आम जिंदगी। ये है फैंटास्टिक। बस हवा निकल गई। Hey guys, what's up bro? तो हमने आज परचेज करा एक बहुत एक्सपेंसिव शार्पनर। अब एक्सपेंसिव इसलिए बिकॉज इसका प्राइस 5, 10 या 20 नहीं 600 रुपीज है। बट इतना महंगा है, कोई बात तो जरूर होगी। तो चलो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो देखने में कुछ ऐसा लग रहा है, लग तो बहुत अच्छा रहा है। महंगी चीज है भाई, अच्छा तो लगेगा ही। ऐसा नहीं है भाई, हर महंगी चीज अच्छी नहीं होती। आदिपुरुष के टीजर को ही देख ले, 500 करोड़ का कार्टून। बात तो सही है। इसके साथ में हमें एक ये स्टैंड भी मिलता है, इसे बाद में देखेंगे। तो पहले लुक वाइज बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद उपयोग करके देखेंगे। तो हाँ, लुक वाइज तो बहुत मस्त है, तगड़ा है और मेटल का बना हुआ है, जिस वजह से काफी भारी भी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक बात बोलूं, इसे देखकर कौन कहेगा कि ये पेंसिल शार्प करने का शार्पनर है, क्योंकि मेरी मम्मी तो इसको सब्जी कटर समझी। ये शार्पनर आपको 3 कलर्स में मिल जाता है। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे तो 3 ही दिए हुए थे, रेड, ब्लू और ब्लैक। मैंने ब्लैक मंगवाया है। तो हाँ, लुक वाइज तो बहुत अच्छा है, काफी प्रीमियम भी है। तो चलो अब इसके यूज करके देखते हैं। तो इसे यूज करने के लिए आपको अपने हाथों का यूज करना होगा, बिकॉज ये एक मैनुअल शार्पनर है, कोई इलेक्ट्रिक शार्पनर नहीं है कि बस बटन दबाया और चालू। तो सबसे पहले हम सबसे चीप और सबसे सस्ती वाली नटराज पेंसिल को शार्प करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी लीड नहीं है, मैंने तोड़ दी थी। तो अब शार्पनर में शार्प करके देखते हैं। तो इसमें यहाँ मिडिल में एक होल है, जिसमें आपको अपनी पेंसिल को डालना होगा, बट ये होल तो बंद है। तो आपको ये जो ऊपर वाला एक बटन है ना, ये ऐसे मूव होता है, तो इसको आपको इस तरफ मूव करना होगा और ये करते ही खुल जाएगा अपना होल। तो तुमको पेंसिल को इस होल में इस तरीके से अंदर डालना है और फिर ये जो पीछे का हैंडल है ना, इसे घुमाते जाना है। बट ऐसे हमारी पेंसिल शार्प नहीं होगी, बिकॉज हमारी जो पेंसिल है वो पूरी अंदर नहीं गई है। तो हमको कुछ ऐसे बाहर निकालना है, तो हमको इस वाले पार्ट को ऐसे खींचना है और इसे बाहर निकालना है। तो देखो हमारी पेंसिल तो भी है ही है, तो पेंसिल को अंदर डालना है और अब हम शार्प करेंगे। और हाँ, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये मतलब डब्बा है जिसमें हमारी पेंसिल का कचरा जाएगा, तो ये भी कुछ ऐसे बाहर निकल सकता है। तो फिलहाल तो इसे अंदर डालते हैं और अपनी पेंसिल को शार्प करते हैं। तो आप देख सकते हो बिल्कुल शार्प पॉइंट में आया हमें, और मुझे कुछ ज्यादा नहीं, बस कम से कम 7 या 8 बार घुमाओगे तो पेंसिल पूरी परफेक्टली शार्प हो जाएगी। देख ही सकते हो कितना ज्यादा शार्प पॉइंट है। तो चलो एक और शार्प करते हैं। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा प्रेस करना पड़ रहा है, थोड़ा सा मतलब धक्का देना पड़ रहा है, बाकी हाँ अच्छा है। तो ऐसा करने में मुझे फील हो रहा है कि हाँ पेंसिल शार्प हो रही है। फिर से बस आपको 5 या 6 बार इसे इस तरीके से बस घुमाना है, कुछ इस तरीके से। एंड आपकी पेंसिल शार्प हो जाएगी, देखो। वाह क्या मुस्कुराहट है। तो अब हम डिफरेंट पेंसिल्स को इससे शार्प करके देखेंगे। लाइक हम कलर पेंसिल का यूज करेंगे और ग्रेफाइट पेंसिल भी, और चारकोल, मेन तो चारकोल। चारकोल से देखते हैं कि ये क्या चारकोल पेंसिल को एकदम फिक्स पॉइंट में शार्प कर पाता है। तो चलो पेंसिल को शार्प करके देखते हैं, पर इससे पहले हम एक बार स्टैंड को भी लगाकर देख लेते हैं कि स्टैंड कैसा क्या है। तो कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके की जगह पर हमारा स्टैंड अच्छी तरीके से लगेगा। तो स्टैंड लगाने के बाद हमारा शार्पनर एकदम फिक्स हो चुका है और एकदम कड़क हो चुका है, तो अब हमें शार्प करने में काफी ज्यादा इजी होगा। तो इन सारी पेंसिल्स को हम शार्प करने वाले हैं। ये सारी अलग अलग डिफरेंट पेंसिल्स हैं, तो इन्हीं को हम शार्प करने वाले हैं। इनमें किसी में भी लीड नहीं है, तो पहले इसको आगे से वही जैसा मैंने बताया इसे खींचेंगे, फिर ऊपर वाला जो बटन है उसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे। सबसे पहले मैं आर्ट लाइन का यूज़ कर रहा हूँ, आर्ट लाइन की 10B पेंसिल का।
तो खींचने के बाद अंदर डालेंगे और अंदर डालने के बाद अब हैंडल को घुमाएंगे तो काफ़ी इजीली पेंसिल शार्प हो रही है। थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है, कुछ खास नहीं, इतना तो दम होगा ही अपने हाथों में। तो हाँ, अब देखो पेंसिल को हम जैसे ही निकालेंगे तो बिल्कुल एकदम शार्प पॉइंटेड 10B जैसी पेंसिल का, तो हाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अब अपन दूसरी पेंसिल को शार्प करके देखेंगे। तो इसका तो पॉइंट अपन ने देख लिया। अब नेक्स्ट पेंसिल हम यूज़ करने वाले हैं टॉम्बो मोनो 100। तो ये काफ़ी प्रीमियम पेंसिल है, अभी जो हमने यूज़ करी आर्टलाइन वो चीप है, ये प्रीमियम है, तो दोनों करके देखेंगे। तो सेम अंदर घुमाएंगे और हैंडल को राउंड राउंड घुमाते जाएंगे। तो ये पेंसिल भी काफ़ी अच्छी तरीके से शार्प हो पाई है, ये 3B है टॉम्बो मोनो की। तो ये भी हो गई, चीप भी हो गई, एक्सपेंसिव भी हो गई। अब हम यूज़ करने वाले स्टेडलर की ब्लैक मैट पेंसिल, ये भी बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे, तो मैंने कहा इसे भी छाप करके देखते हैं। ये शायद से 6B है आई थिंक। तो अंदर की तरफ पर हम घुमाएंगे और फिर इसे रोटेट करेंगे। तो बहुत आसान है इससे करना। और इसमें देखो वापस से सेम वही पॉइंट, एकदम बिल्कुल पतला शार्प पॉइंट आपको देखने को मिलेगा इस शार्पनर से। तो अभी भी मुझे इसके एक बहुत बड़े माइनस पॉइंट के बारे में पता चला है, तो मैं तुमको बताता हूँ कि जैसे हम इसमें जब पेंसिल शार्प करते हैं और गलती से कभी पेंसिल थोड़ी सी ज़्यादा शार्प हो जाए गलती से, और उसकी लीड अगर गलती से टूट जाए ना तो शार्पनर के अंदर अटक जाती है। मेरे साथ तो 2-3 बार हो चुका है, तुम्हारे साथ भी शायद होगा अगर लोगे तो। और फिर उसे ठीक करने के लिए हमें शार्पनर को इस साइड से पूरा खोलना पड़ता है, और खोलने के बाद देख सकते हो कि अंदर की तरफ पे हमारी एक लीड फंसी हुई है, तो उसे अब हमें निकालना पड़ता है। लीड निकालने के बाद तो वापस चलने लग जाता है, बट जो इसका पीछे का पार्ट है ना, उसको निकालने में, फिर लीड निकालने में, बार बार करने में बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग लगता है। तो ये इसका एक माइनस पॉइंट लगा मुझे अभी तक। बाकी चलो देखते हैं, अब कलर पेंसिल्स को शार्प करके देखते हैं और फिर चारकोल को। बट इससे पहले मैं एक चीज़ तुमको बोल दूँ कि अगर तुम ये शार्पनर सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर चारकोल पेंसिल में शार्प करोगे ना, तो चाहे कितना भी अच्छा शार्पनर हो, चारकोल पेंसिल के कारण वो शार्पनर खराब हो ही जाएगा, बिकॉज चारकोल से शार्पनर को शार्प करने में बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो हाँ, चारकोल को मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि तुम इसमें यूज करो, मैं तो बस तुमको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसा क्या होता है। अब हम यूज करेंगे ब्रूस्टो की ग्रेफाइट पेंसिल का। ये पेंसिल भी बहुत सारे लोग यूज करते होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि जिनकी भी फेवरेट पेंसिल है उनके लिए एक बार शार्प कर देते हैं। तो हाँ, हमने स्टेडलर भी करके देखी अभी पीछे, ब्लू वाली जो बहुत से लोग करते हैं, वो भी अच्छे से हो गई। अब इसको करके देखते हैं, तो ये भी बिल्कुल अच्छी तरीके से शार्प हो गई। ये तो ऊपर थोड़ा सा कचरा लगा है, बाकी पेंसिल बहुत अच्छी तरीके से शार्प हुई है। तो अब हम यूज़ करने वाले हैं फाइनली कलर पेंसिल का। तो हियर आई एम यूजिंग डॉम्स की कलर पेंसिल, चीप वाली, 100 रुपये की जो आती है वो। तो इसको शार्प करते हैं, तो ये तो और ज़्यादा भयंकर ही तरीके से शार्प हुई है, बिल्कुल एकदम लंबी और बहुत लंबा पॉइंट है। तो नाउ आई एम यूजिंग ब्रूस्टो की कलर पेंसिल। हमने एक चीप कलर पेंसिल यूज़ करी और अब ये हम थोड़ी सी एक्सपेंसिव कलर पेंसिल यूज़ करने वाले हैं। डॉम्स चीप है और ब्रूस्टो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तो इसको भी शार्प करेंगे। तो इसमें भी सेम हमें वैसा ही पॉइंट देखने को मिला है जो हमें डॉम्स में देखने मिला था और दूसरी पेंसिल्स में देखने मिला था। अब हम फाइनली यूज़ करने वाले हैं चारकोल पेंसिल का। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ चारकोल पेंसिल को यूज़ करने के लिए, बिकॉज चारकोल पेंसिल नॉर्मल शार्पनर से भी अच्छे से नहीं होती, तो इस शार्पनर में होगी या नहीं, चलो देखते हैं। और ये मेरी चारकोल पेंसिल बहुत छोटी हो गई है, बिकॉज चारकोल पेंसिल कभी लंबी रह नहीं सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा कटती रहती है। तो अगर ये अच्छे से हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, बट जैसा मैंने बोला कि इसको हमेशा यूज़ मत करना ज़्यादा। तो चारकोल पेंसिल को भी इसने बहुत अच्छी तरीके से शार्प कर दिया है, मैं तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध टाइप हो गए, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से इसने शार्प कर रहा है। बट वही है, ज़्यादा शार्प मत करना, वरना अगर शार्पनर ही खराब हो जाएगा तो फिर चारकोल पेंसिल का करोगे क्या। तो हाँ, ओवरऑल शार्पनर बहुत मस्त है, बस वो लीड वाली थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी तो इसने सारी पेंसिल को अच्छी तरीके से शार्प कर दिया, चाहे वो चारकोल हो, कलर हो, ग्रेफाइट हो, अलग अलग ब्रांड्स की हो, सस्ती से महंगी, सारी शार्प कर दी है। और इसके जो पॉइंट्स हैं वो भी बहुत मस्त हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हो सब एकदम नुकीले पतले पॉइंट में। एक बार सारी साथ में रख के बताता हूँ, तो देखो साथ में रखने में भी एकदम सब एक जैसे हैं, तो मस्त है। तो हाँ, जैसा आपने देखा कि बिल्कुल अच्छी तरीके से इसने शार्प करा, सारी पेंसिल्स अच्छी तरीके से शार्प हो गई, बट मैं इसको दूंगा 5 में से 3 स्टार्स। पहला स्टार इसलिए कि इसने काफ़ी सस्ती से लेके काफ़ी महंगी पेंसिल को अच्छी तरीके से शार्प कर दिया। दूसरा पॉइंट इसकी लुक, जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त है, जो कि कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है, बट हाँ अगर लुक है तो करने में भी मज़ा आता है। और थर्ड पॉइंट की इसकी ब्लेड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और शायद काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है, मैं पक्का नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ जहाँ तक मुझे लगता है लंबे टाइम तक चलेगा। माइनस में मैं सीधा 2 पॉइंट काटूंगा, बिकॉज ये शार्पनर में जो लीड फंसने वाली चीज़ है ना, वो मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि बार बार खोल कर निकालना पड़ता है, और अगर गलती से बार बार वही चीज़ सेम रिपीट हो रही है
तो बहुत दिक्कत आएगी। तो हाँ, अगर तुम बाय करना चाहो तो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं नहीं बोल रहा बाय करो, तुम्हारा मन हो तो करो। शार्प तो इसने अच्छी तरीके से कर दिया, बट बस वही है, तुमको थोड़ा सा खटगरम करने पड़ेंगे, अंदर जाकर लीड वगैरह निकालनी पड़ेगी, बाकी तो ये शार्पनर परफेक्ट है। तो हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जाने से पहले लाइक जरूर से कर देना, बिकॉज मैंने लगभग सारी बातें बता दी है शार्पनर से रिलेटेड। तो तुमको अगर हेल्पफुल लगा हो तो जरूर से लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज इस चैनल पर काफी अमेजिंग कॉन्टेंट आता रहता है। और पास वाले घंटे को भी दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन सबसे पहले है, कोई और नहीं देख ले, सबसे पहले तुम ही देखना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।